यूं इलाजे दिले बीमार किया जाएगा, यानी कर्जों पे निसार किया जाएगा। जब तलक जान नहीं छूटती कोरोना से, ऑनलाइन ही कारोबार किया जाएगा। वैक्सीनेशन नहीं तैयार हो पा रही, आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिल और सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालचाल है आप लोगों के? सर आज तो रॉक लग रहे हैं, रॉक है ना जी सर। वैसा तो कुछ भी, बॉडी वैसी है ना, बाल वैसे हैं सर, जैकेट तो वैसी है, पैंट कोट सवाया तो कहते ना नाला पाने ले जाओ रखनी। 2.5 लाख के फोन की कंपनी ने बहुत बुरा भला कहा। क्यों? कहने लगे आपका फोन फ्लॉप है क्योंकि इसमें सांप वाली गेम नहीं है। ये तो ब्याह ते गए तो बिरयानी दे पिछे बोटी नहीं मिली है ना। अच्छा अच्छा। हां कुड़ी वाले नु कई जन मुंडा जवारी आ जे। सैनिक में गए अंदर दाखिल होने लगे तो उसने कहा टिकट बखा, कहते ने मैं क्यों अपनी बखावा, जा अपनी लेके आ। दूसरे बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एमपी हैं पंजाब के अंदर, मियां वारिस अजीज। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान कराची से तशरीफ लाई हुई है, मॉडल सना राजपूत। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही मेहमान बड़े प्यारे हैं और शेर भी मैं बहुत प्यारा लाया हूँ। बुलबुले बुलबुला गए हैं, बुलबुले बुलबुला गए हैं, परिंदे चहचहा गए हैं और सितारे जगमगा गए हैं क्योंकि आज मजाक रात में सना जी और वारिस भाई आ गए हैं। कोई सियासत दे विच रुल गए ने, कईयां नूं महंगाई ने मार दिता। कोई सियासत दे विच रुल गए ने, कईयां नूं महंगाईयां ने मार दिता। जेडे इस बीमारी तो बच गए सन उन्हां नूं वडियाईयां ने मार दिता। गैरों को छोड़ो अपनों से सताया हूं, जो नहीं करना चाहिए था वो करके आया हूं। जिसे 20 साल मोहब्बत की कैसर, आज उसकी शादी पे कुर्सियां लगा के आया। जियो कैसर पिया, कुछ ना लिया कुछ ना दिया, खुश कर दिया। जियो कैसर दिया सर, कुछ ना किया कुछ ना दिया, मैं भी तो पीटीआई था ना। तो कैसा लगा आपको 20 इयर्स वेस्ट करके अपने? कुछ नहीं, अब अगली ट्राई इंशाल्लाह। आपने भी आगे से कोई शेर कहा था इनके लिए? जी एक कहा था जी। जी वो क्या शेर था दोबारा अगर आप? जियो कैसर पिया, कुछ ना लिया कुछ ना दिया, खुश कर दिया, कैसर पिया कैसर पिया। ये पता चला के पीटीआई के एमपीए बैठे हुए हैं, कुछ ना लिया ना कुछ दिया ना कुछ किया, कैसर पिया कैसर पिया कैसर पिया कैसर पिया कैसर पिया। तो उन्हें ये क्या किया? जहां भी हम गए वहां से यू टर्न लिया, कैसर पिया कैसर पिया। जी क्या हाल है आपके भैया साहब? जी अल्लाह का शुक्र ठीक है, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक। कोई मसला मसाइल तो नहीं? मसले तो बहुत सारे हैं। तो फिर उनका करना क्या है? इंशाल्लाह उसको हल करना है। कब? सर ये कोरोना आ गया, आपको पूरा पता है कि पूरी दुनिया वैसे में कभी कभी आप सोचते हैं कि कितने वैसे मियां साहब आप लोग लकी हैं कि आप लोगों से पहले नून लीग आ गई, आप लोगों के होते हुए कोरोना आ गया। तो कोई ना कोई होता ही है हमेशा आपके आसपास जिसके ऊपर डाला जा सकता है। सर आजमाइशों में से डल के ही पता चलता है कि किस तरीके केड़ा केड़ा बचे है, जिस तरीके से कोरोना में कौन कौन सा बचा है। मैं मियां साहब ने पूछा मैं कैसे हुकूमत से तुम की बचा है, कहते सैनिटाइजर ते मास्क ही बचे है। और वो भी बहुत महंगा हो गया। कोई नहीं मैं आपको ले दूंगा, आप सबर करें जी। सना आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी मैंने देखा हुआ है। आपको आइडिया है? हाँ मुझे आइडिया भी है, और सबसे पहले तो कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। आपका जो ड्रामा था आपका ड्रामा था ताके की आएगी बारात, एनी की आएगी बारात, वो हम सब पूरी फैमिली बैठ के देखते थे। और आप मेरे एक कजन से भी मिलते हैं वैसे। मेरी सिस्टर वो शी वॉज लाइक के सना तुम उधर जा रही हो तो स्पेशल मेरी तरफ से हाय करना, आपका ड्रामा वो बहुत मिस करते हैं हम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी फैमिली देखती थी ड्रामे, आपकी फैमिली देखती है ये प्रोग्राम भी, और आप
आपकी फैमिली के अंदर मेरी शक्ल के भी लोग निकल आए हैं। बहुत ही फैमिली गए हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी, एग्जैक्ट आपसे मिलता है। इनका ड्रामा कौन सा देखा आपने? सारे एनी की आएगी बारात, ताकि की आएगी बारात। तो सना की कब आएगी बारात? देखे बस मिल जाए कोई अच्छा, यू नो 35 मिनट बाद मिल जाएगा कोई। मियाँ साहब आपको कोई मिला क्या? आपको कोई मिला सबूत? कौन सा सबूत? जो प्रूव किया जा सके करप्शन का। जी सारे सबूत ही हैं। नहीं मगर फिर प्रूव क्यों नहीं हो रहे? देखिए पहले जो गवर्नमेंट थी ना, जो पीपल्स पार्टी और नॉन लीग, ठीक है, ये तमाम मुकदमात उन दोनों के ही हैं। हैं? ये अपने आप पे मुकदमा बना लिया अपने, उन्होंने पीपल्स पार्टी ने नून पे बनाए थे, नून ने पीपल्स पार्टी पे बनाए थे, और दोनों ने एक दूसरे को डराने के लिए बनाए थे, करना कुछ नहीं था। अच्छा अब जो हम बनाएंगे इंशाल्लाह करके दिखाएंगे और अप्रूव भी करके दिखाएंगे। नहीं मगर वो तो आप लोगों ने तो इतने अरसे के बनाए हुए हैं तो वो निकल नहीं कुछ। कौन से अरसे से बनाए? शायद खाकान अब्बासी साहब भी अंदर, राणा सनाउल्लाह भी अंदर किए, फिर बाहर आ जाते हैं। देखिए इंशाल्लाह ताला ये दोबारा अंदर जाएंगे और पूरी हर चीज ये दे के जान छूटेगी। जो पाकिस्तान का पैसा इन्होंने लूटा है ना, इनसे निकलाएंगे और ये पाकिस्तान की अमानत है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को वापस देंगे। पाकिस्तान की अमानत पाकिस्तान को वापस मिलेगी। मेरा एक सवाल है। जी जी सर। सपोज के इनकी हुकूमत में वो नहीं साबित होते, हाँ, तो नेक्स्ट हुकूमत वो केस जारी रखेगी कि वो रफा दबा? नहीं, नहीं, वो नेक्स्ट हुकूमत भी इनकी होनी चाहिए, फिर ही जारी रहेगा। हाँ। अगर किसी और की आ गई, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हुकूमत भी हमारी होगी और ये पूरी तरह सबूत होंगे और अदालतों में अप्रूव होंगे। इतना लंबा नहीं साडे को भूखे हमारे। हाँ सलाह करो, कोई गल नहीं। तो देखिए खान साहब ने ना डैम शुरू किए, तो मेरी बात सुनो, जो डैम शुरू हुए हैं वो 7 से 8 साल में बनेंगे, उसका जो सियासत में जो भी आउटपुट है वो खान साहब को नहीं मिलेगा। खान साहब ने 1 अरब दरख्त लगाने का कहा है, 1 अरब दरख्त जो 1-2 साल में नहीं बड़े हो जाने, उसका भी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए है, इसलिए आने वाली नस्लों के लिए सोचना है। आपने हमें दिया क्या है? इदा मतलब साढ़े जड़े पोते दोतरे हो दरख्त थले खलो के दरख्त थले नहीं सर, आपने पोते दोते अगर दरख्त थले जाके खड़े होंगे तो तुहानू दुआवां देंगे कि साढ़े मां प्यो ने भी अच्छा काम किया। हमें तो उजड़ा हुआ चमन मिला था, ये उजड़ा हुआ चमन हमने आबाद करना है, तो इसके लिए वक्त तो चाहिए ना। 2 साल में हर चीज ये पूरी नहीं हो जाती। उजड़े चमन से याद है पंजाब काबीना क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र ठीक है पंजाब। वो आपके अभी एक मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया या ले लिया, वो क्या हुआ? असद खोकर साहब ने? जी असद खोकर साहब ने इस्तीफा दिया, वो नहीं सरवाइव कर सका, इस्तीफा दिया। सरवाइव नहीं कर सके? हाँ। क्या मतलब? उनके पास टाइम नहीं था, खान साहब ने कहा था कि 6 माह के अंदर अंदर कारकर्दगी दिखानी है, उनके पास टाइम नहीं था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मतलब वो उनको मिनिस्टर बना दिया, उनके पास गवर्नमेंट चलाने का, मिनिस्ट्री चलाने का टाइम नहीं। हर घर में हर तरह की मुसीबतें आ जाती हैं, इसी वजह से कोई जाती मसरूफियत। अच्छा तो उनके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, उन्होंने कहा कि वो सियासी मसला भी था, सियासी मसला नहीं, अपने घर में को अपनी जाती मसरूफियत की बिना पे, आप उनका लेटर देख लें, उन्होंने जाती मसरूफियत की बिना पे लिए। ठीक है, मुझे ये बताइए कि जो ड्यूल नेशनैलिटी के ऊपर फवाद चौधरी कहते हैं कि ये लोग काबीना में कैसे पहुंच गए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो बताएं, कभी जिंदगी में पहले किसी भी एडवाइजर या किसी ऐसे आदमी की पब्लिक हुई है, कोई भी स्टेटमेंट पब्लिक हुई है? ये खान साहब की मेहरबानी है कि आप अपने असासाजात को डिक्लेयर करें। मिनिस्टर हैं फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी, वो मेरी बात हैरान है कि ये कैसे हो गया। मेरी बात सुन ले, वाकई फवाद चौधरी ने ये कहा है कि ये कैसे हो गया, जो भी ड्यू नेशनैलिटी होगा वो फारग होगा। ये देखिए ना दी स्टेटमेंट। हाँ दे जी, ड्यू नेशनैलिटी वाले एडवाइजर्स जो भी हैं, मियां जाज वारिस कहते हैं कि आप लोग फारग होंगे। हाँ। इमरान खान साहब के करीब तरीन सर्कल में जिन लोगों की निकली है ड्यू नेशनैलिटी, तो इमरान खान साहब ने खुद ही तो कहा है कि ड्यू नेशनैलिटी है, आप असासा जाते हैं वो नेट पे डाले, तमाम लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे फैसले करते हैं उनकी क्या क्या असासा जाते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, ये तो खान साहब ने कहा और ये पहली बार हुआ कि कैबिनेट डिवीजन ने उसको आउट किया, और अब जो बात आगे बढ़ चुकी हुई है तो उसके अंदर पीटीआई के अपने मेंबरान का ख्याल है कि उनको फारिग भी हो जाना चाहिए जो कि ड्यू नेशनैलिटी रखते हैं। आप वोट डालती हैं सना? वोट तो मैं नहीं डालती। नहीं डालती क्यों? सपोर्ट करती हूँ इमरान खान को, लेकिन वोट मैंने नहीं दिया। क्यों है बस मुझे कि नहीं वोट नहीं देती मैं। उनको लगता है वोट से तब्दीली नहीं आती। देना चाहिए वोट, लेकिन मुझे घर में भी सब कहते हैं तो मैं देना चाहिए। तो आपको लगता है कि वोट से कुछ होगा नहीं, कोई इस तरह का थॉट प्रोसेस है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बस शुरू से नहीं करती मैं।
सपोर्टिंग शुरू से नहीं करती, तो क्या आगे भी प्रोग्राम नहीं है इसको देने का? आगे देखूंगी, लेकिन ना फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है काफी। किस चीज से डिसअपॉइंटमेंट? वोट के बाद के। आपने कहा इमरान खान साहब को वोट देना चाहती थी? नहीं, वोट देना नहीं चाहती थी, मैं सपोर्टर हूँ। सपोर्टर है उनकी, तो उनको सपोर्ट वोट के जरिए करें। जो भी सोच रहे हैं अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन बस ये कि वोट नहीं देती मैं, क्योंकि फिर बाद में जो दुख होता है ना, तो पता नहीं क्या। नहीं, मगर मुझे बात बताएं, आप उनको अगर सपोर्ट करती हैं तो वो कैसे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे अगर आप वोट ही नहीं देंगी? तो सपोर्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं अगर वोट दूं तो, क्योंकि मेरे घर से इतने सारे वोट्स गए। नहीं, अगले इलेक्शन में एक वोट तो हार गए, फिर की करोगे? अगर अगले इलेक्शन में एक वोट से हार गए तो आप कैसे अपने आप को माफ करेंगी? हाँ, वैसे और फिर ये होता है ना कि मेरा वोट मैं दे रही हूँ, फिर यू नो फिर सब पूछते भी, अच्छा तुमने किसको वोट दिया था, तुमने किसको वोट दिया था? नहीं, नहीं, नाम को वो देखो ये हो गया। ओए, ओए, अच्छा, तो यानी कि लोगों के डर से आप वोट नहीं देना चाहती? और वो फिर बकायदा फाइट शुरू हो जाती है कि अच्छा तुमने इसको वोट दिया, इसको नहीं दिया, ये वो। आप खान साहब की सपोर्टर हैं, वैसे आप खुश हैं जो इस वक्त हालात चल रहे हैं? कर रहे हैं, मतलब बहुत क्रिटिसिज्म आता है गवर्नमेंट को, यू आर हैप्पी विद दैट? हां, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए लोगों को, पता है थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस रख रख के लोगों के दिमाग के ऑपरेशन हो गए। टाइम लगता है हर चीज में, कि थोड़ा बहुत तो देखा भी है, काफी चेंजेस आए भी हैं, तो इंशाल्लाह होप फॉर द गुड। इंशाल्लाह। मौजूदा हुकूमत है वो कह रही थी धांधली, अब ये है ये पिछली हुकूमत कह रही है सिलेक्टेड। हाँ। कोई ऐसी पार्टी है जो सच्ची मुची वोट्स के सर पे ही कभी जीती हो पाकिस्तान की हिस्ट्री में? एक बंदा है, हमें दोनों का फोन नंबर देना। ये वैसे आपका एक अच्छा सवाल है कि कोई है ऐसा जो आज तक जीता हो जिसको सारे क्लीन मानते हो? जिस तरीके से नून लीग जीती थी, हमने सिर्फ चार हलके बोला था कि चार हलके खोल दें। हाँ। अगर चार हलके में आप कोई धांधली साबित ना हो सकी तो हम आपको एक्सेप्ट। उस बच्चे का सवाल ये है कि कोई वैसे आज तक इतनी कोई हुई है कोई हुकूमत के जिसको सारे ही मान लेते हो कि ये सही है? ऐसी तो कोई भी नहीं हुई, नहीं होती ना, कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जिसको सारे मानते हो। वो एक ही बार होती है जिसको सारे मानते नहीं, जिसकी सारों को माननी पड़ती है। मुल्की काम ने तो अपनी गड्डी का शीशा पवा जेड़ा साइड दा टूटा मसले होते हैं इधर जना, तू हाथ पा। मेरे सवाल था ज़हन में आया, पूछ ले। नहीं, बिल्कुल आपका सवाल जो वो बिल्कुल पूछना चाहिए, आपके सामने पब्लिक नुमाइंदे हैं, आप बैठे हुए, आपका हक बनता है कि आप पूछें। बिल्कुल, आपको पता है सर ये फैसलाबाद से? मुझे पता जी। ये आपके वोटर दो आपके सामने बिखरे पड़े हैं? बिखरे पड़े दोनों शकील साहब के वोटर है। अच्छा, तो शकील साहब पीटीआई में होंगे? जी जी, पीटीआई। वो भी आ रहे हैं आपके प्रोग्राम? वो भी आ रहे हैं, और उनको इन्होंने ये बताया हुआ कि ये उनको वोट डालते हैं? जी। अच्छा, हाँ जी। मगर इमदाद पे फिलहाल इन्हिसार भी रख, समानतों को लोग डील ना समझ बैठे, सो चंद लोग दिखावे को गिरफ्तार भी रख। ये इक्तदार रोजगार मुस्तकिल है भला, बैरून मुल्क कोई जाती कारोबार भी रखा हो बाजी आ। बड़ी मेहनत कर रहे ने, कोविड 19 च इन्होंने घर घर जाके राशन वंडे ने अपनी फैमिली च। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सना, ये बताएं, आप साइकोलॉजी पढ़ रही हैं? या। एंड एट द सेम टाइम यू मॉडलिंग? पहले मैं टीचिंग में भी थी। अच्छा, तो इवेंचुअली परसू आपने क्या करना है? बहुत कुछ है माइंड में, लेकिन मेरा जो पैशन था ना वो मॉडलिंग की तरफ ज्यादा था, क्योंकि मुझे थोड़ा घर पे भी यू नो कोई लॉयर है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर है, तो मुझे सब ने यही कहा कि सना मॉडलिंग यू नो बिल्कुल अलग, लेकिन मुझे बचपन से ही था कि नहीं पैशन है एक चीज़ के लिए तो करना है। लेकिन बाकी भी मैं साथ में अपना भी देख रही हूँ कि हाँ घर वाले जिस चीज़ से खुश हो जाए यू नो, लेकिन अब जब देखते हैं यू नो बिल बोर्ड्स पे और बहुत अच्छा कर रहे हो अब तो माशाल्लाह, ये मेरी बेटी है और मेरी दादी भी, ये मेरी पोती है, ये ऐसे तस्वीरें तो लगी माशाल्लाह बोर्ड पे काफी। हाँ। अच्छा, आपने देखी थी? हाँ जी, मैं तीन चार मोटरसाइकिल मारा इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी लगती है आप माशाल्लाह। वैसे आपका भी बचपन से ही शौक था सियासत वगैरह का? बचपन में नहीं था, बचपन से मैं कॉलेज दौर से, कॉलेज के जमाने से हुआ, उससे पहले कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं होता था सियासत के अंदर? पहले किसको पता होता था? नहीं, वो तो इस तरह यहाँ लोग आते कहते बचपन से ही हमें एक्टिंग का शौक था, बचपन से मॉडलिंग का। उनको बचपन का शौक था ना, उनको बचपन का मॉडल का शौक था, इनको जहाज उड़ाना चाहिए, जहाज में वजन कम होगा। वो कहना चाह रहे हैं कि आपका वजन नहीं है बिल्कुल, पायलट होना चाहिए इनको, पायलट होना चाहिए। पहले इस चक्कर में हमारे बहुत पायलट पकड़े गए, ऐसी बातें ना बड़ी मुश्किल जान छूटी है। लोगों की रिस्पांसिबिलिटी अपने सर पे नहीं लेना चाहिए। या आप इफ्तिखार ठाकर के साथ ना वो सांप वाली गेम खेले, सांप बन के खेले, दोनों सांप बन के खेले, कौन जीते? नहीं, गेम खेली, सांप तो ठाकुर साहब लग ही रहे हैं यार। क्या
वो मेहमान आई हुई आप उनको कहाँ साफ अली मैं तो ये ना कि सना प्यारी है अच्छी है अच्छी लग रही है मुझे प्यारी भी है इन्होंने अपनी जिंदगी की प्लानिंग भी की हुई है जी जी माशाल्लाह अच्छी प्लानिंग और जिंदगी में एक जीवन साथी भी ढूंढ रही है मुझे पता चला थोड़ा टॉल हो अच्छा सा हाँ टॉल हो अच्छा सा और कैसा पर्सनैलिटी हो थोड़ी तुसी सीधा ना कर दो पहले टॉल का कहते बस अच्छा टॉल हो अच्छा सा हो और क्या इंप्रेसिव पर्सनैलिटी भी उन्होंने कहा पर्सनैलिटी कैसी हो यू नो कि आप देखो आपको लगे कि वाओ व्हाट अ पर्सनैलिटी इंप्रेसिव पर्सनैलिटी हो और टॉल आपसे غالباً ज्यादा टॉल हो आपका दिल होगा आपकी हाइट कितनी है 5'8" इनकी हाइट है तो 5'8" से ज्यादा हाइट ठीक है और इंप्रेसिव पर्सनैलिटी उन्होंने बताया वो तो है माशाल्लाह देखो एमएनए लग रहा हूं जो एक मेन चीज है ना रिस्पेक्ट करता हो खवातीन की रिस्पेक्ट करता हो ठीक है ये चीज मैं कहती हूं ये चीज होनी चाहिए ठीक है कैसर पिया हर लड़की की रिस्पेक्ट करते हैं जो भी यहाँ आती है सबकी रिस्पेक्ट करते हैं आप देख लो मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ मुझे क्यों रिजेक्ट करती है चलो छोड़ो इस बात को मैं आपका फैन तो हूँ अच्छा तो कमाता कितना हो कोई पता हो पैसे इतने हो कि आप अच्छे से यू नो रह सके बहुत ज्यादा लग्जरीज ना भी हो तो वो चलता है लेकिन एक्सपेंसेस पूरे करना रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना 37,000 तनख्वाह है ठीक है 37 आपकी है हाँ जी माशाल्लाह टैक्स काट के ऐसे भी ज्यादा कमाते हैं अब सोचना पड़ेगा मियां साहब आपकी नजर में कोई है ऐसा पीटीआई के अंदर बहुत सारे बहुत से 37,000 वाले या 6 फुट से ऊपर कद वाले 6 फुट से ऊपर कद 6 फुट से ऊपर देखे उनके पास तो पूरी एक फोर्स होती है पीछे पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इतना बंदा होता है तो कोई अच्छे आपके नजर में हो हाँ हमने तकरीबन 1,60,000 वोट लिए इसमें बहुत सारे निकल आएंगे मैं तो कहना गवर्नमेंट तो होना तो होना नहीं रिश्ते ही कराया करो तुम बस ठीक है अब जब भी रिश्ता कोई सर्च करो तो पीटीआई पे देखे जाए आपको बता दिए कि कद अच्छा होना चाहिए उनका इनसे ऊंचा हो 6 फुट तकरीबन अच्छा, तक कद भी मैं कहूंगी कि इतना नहीं भाई स्टॉल ही हो मैं कहती हूँ कि ये ज्यादा मैटर करता है इंटेलिजेंस होती है ना बंदे की लुक्स वगैरह इतने मैटर नहीं करते इंटेलिजेंस होनी चाहिए आप समझ रहे हैं जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि बहुत लोग इस चीज को प्रेफर करते हैं कि नहीं बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हो तो ऐसा इतना भी कोई मसला नहीं है मेरे ज़हीन हो बस हाँ ज़हीन होना चाहिए मियाँ साहब शक्ल सूरत के ऊपर वो हो सकता है कॉम्प्रोमाइज हाँ। मगर ज़हीन हो सबसे ज्यादा आप लोगों के पास ज़हीन कौन है 200 में तो मिली है जाके अपना नहीं कहना तुझे मजे की बात है उनको खुद भी यकीन नहीं आ रहा खुद भी हंसी जा रहे हैं मेरा कजन है ख्याल अहमद कास्त्रो एमपी है आपके कजन है ख्याल अहमद कास्त्रो जी हाँ आपने बड़ा सही वो उनकी शादी भी नहीं हुई जी हाइट भी उनकी 6 फुट कोई 2-1 इंच तो होगी मेरे ख्याल 6'1" 2 इंच है हाँ मुझे पता है बिल्कुल एंड इज वेरी टॉल मैन और वो सिटिंग एमपी है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तो ये तो देखे सना यहाँ बैठे बैठे ही उन्होंने पकड़ के बंदा निकाल दिया मुझे ये बताएं अभी तक सिंगर क्यों हैं ये आप उनसे वो क्योंकि अवाम की खिदमत में मसरूफ थे तो वो इलेक्शन वगैरह एंड दैट्स व्हाई और बड़े एनलाइटेड ही लाइक्स टू ट्रैवल इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे अगर याद पड़ रहा है सही तो कास्त्रो साहब को बड़ा ट्रैवलिंग का बहुत शौक है अरे ये देखें शादी छोटी जी गल तो रुकी कहते मैं वाजे वाले अद्धे पैसे देने यार तुसी अपनी पेमेंट नू छड्डो फैसलाबाद गई हुई कभी आप नहीं फैसलाबाद नहीं फैसलाबाद का इनविटेशन तो दें सर फैसलाबाद तो दिखाएं उनको मोस्ट वेलकम कास्त्रो साहब तो फैसलाबाद में होते हैं फेमस खाना क्या है जो आप पसंद करेंगे हर चीज फेमस है फेमस खाना टेक्सटाइल मेनली तो तैयार होती है सर सबसे ज्यादा अच्छा कपड़ा बनता है वहाँ ये ले जी कपड़े तो आप छोड़ दें बस आपको फला फैशन के बारे में आप भूल जाएं कपड़ों का मसला बेहतरीन टेक्सटाइल आपको मिलनी है इतना बंदा पीजे वाली दुकान पे भी कपड़ा ही बनता है दाल भी बड़ी फेमस है हाँ जी हजारा की दाल उधर बड़ा दाल बड़ी वैसे तो ये भी लड़का फैसला बात कही मुझे याद आया ये, हाँ, ये भी हमारे पास फैसला फिर मेरी है 5'11" गुड 6 इंच तो नेफा पवा लो थल्ले Good, are you? You know, I got a great idea. Uh-huh. Yes, I was thinking about कि पाकिस्तान तुर्की क्यों नहीं कर रहे अच्छा यू नो एजुकेशन की कमी है उतो कोविड-19 ने तो और ही पता बचा दिता है हाँ।
बच्चे कंप्यूटर से पढ़ते ने ऑनलाइन सो मैं सोचा कि इन्होंने मैं लाइब्रेरी बना रहा मोबाइल लाइब्रेरी अच्छा किताबा मैं कठिया करांगा ना ठीक है मैं इन्होंने बूहे से जाके इन्होंने कहूंगा ये लो पढ़ो मैं वापसी पे आके कलेक्ट कर लूंगा ठीक है मामा ने मेनू 790 किताबा भेजिया ने यूएसए तो वाह वाह सो आई वेंट टू द उर्दू जबार बाजार उर्दू जबार मेरी जान छद किताबां लैन दियां आई वेंट टू द बंड रोड उथे ना एक ट्राला खलोता द न्यू वन जंग लगा उन्हें सारा वो कहना बाईया तेईया साल तो खलोता है तू बस कड लिचों पेंट करा लै किताबा पा मोबाइल लाइब्रेरी नाले पाकिस्तान दा चप्पा चप्पा वेखांगा मैं आई वेंट टू द रंग साज उन्हें क्या 9,000 टोटल लगना तेरा इट विल बी अ फ्रेश 0 मीटर बस उन्होंने 9,000 देना तो लाइब्रेरी शुरू एजुकेशन बच्चों के चली जाएगी ना फिर पाकिस्तान टू रखी दी रात जामजन हो जाएगा यस सो कुड यू प्लीज गिव मी 9,000 तुम्हें मेरे से आज तक पैसे मिले नहीं मिले तो नहीं लेकिन तेरे को नमीत मैंने होती है ना क्यों होती है तू ले ले नहीं तो तुम भी तो एक तरह के इंसान हो 3,000 रुपये दे के मेरा 9,000 रुपये अगर पाकिस्तान तालीम याफ्ता हो जाएगा तो तुम्हें की फर्क पैंदा आप ट्राई करें हमारे पास MPA बैठे हुए हैं आई डोंट सर भाईजन तो आप लगता है कोई स्कूल के मास्टर ने नहीं तो जॉब कर दें नहीं MPA ओह आई लव यू सर ऐसे MPA बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तू रखी दी रात गामजन हो बिल्कुल ओ वोटा पाओ वोटा पाओ उन्होंने ना कि पा दें वोटा समझ नहीं है उन्होंने चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए हाँ इट मीन के फॉर होम PTI इस तरह शाहकोट ला जाओ उथे मंगण जाओ ओ जे डंडा आ गए माय लव इमरान मेरी जान ओ बन गया नवा पाकिस्तान ओ नमन निन्ना पी ओ बन गया नवा टोपी मेरी टोपी आगे चली गई आज तो ट्रैवल कर गई पर कितों उम्मीद होनी है ते मौजूदा गवर्नमेंट दे वजीर यस ते नहीं चाहते 9,000 रुपए जे विच मुल्क तलीम याफ्ता हो जाए ते तुहानू ही फायदा है मैनू ते टके दा नहीं फायदा 9,000 बकाया दे तेनू 10,000 देवा पर्स मैं चाहिए तरक्की करे 9,000 बकाया दे 10,000 देना 1,000 रुपए जी किथे बच्चे पढ़ सकते ने सर एक बच्चा नहीं 1,000 रुपए 10,000 रुपए जी किलो ओ जदों आ गया इमरान मेरी जान ओ बन गया नवा पाकिस्तान वाह ओ बन गया नवा पा ओ बन गया नवा आ गए पैसे अज ताई ते मेनू तरथली पई 10,000 दिता सिर्फ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨੇ MPA PTI ਦੇ ਨਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ COVID-19 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਸਮਾਂ ਜੀ ਯੈਸ ਐਸ ਅ ਟਾਪ ਮਾਡਲਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात सना ये बताएं आपको एक्टिंग का भी है आगे प्लान या नहीं अभी तो सारा फोकस इस पे मॉडलिंग पे माशाल्लाह आई एम गेटिंग गुड वर्क तो फिर इंशाल्लाह मगर आगे इतनी चीजें आप अनप्लान भी कर रही हैं इसका ज्यादा था मॉडलिंग का ज्यादा एक्टिंग का तो नहीं यूजुअली होता है मॉडल्स को भी होता है एक्टिंग का शौक हां अगर चांस मिल जाए तो फिर मैं I would love to try करना चाहेंगी तो मियां साहब मुझे एक बात बताएं अगर आपके हाथ में होता कि आपको आपकी मर्जी से कोई मिनिस्ट्री दी जाए अगर होता तो आप कौन सी मिनिस्ट्री पिक करते बलदियात बलदियात के अंदर
बलदियात के भी मिनिस्टर हमारे पास अलीम खान साहब है ना इस वक्त बलदियात के मिनिस्टर। ठीक है बस उन्होंने हम दुआ करने फारग होंगे फिर तुम ले आने शोर मुखालफी ने पाया सी इमरान खान आएगा बुजदार जाएगा इमरान आएगा बुजदार जाएगा पर कितों आज भी कायम है मेरा बॉस। सब तो पहला फोन किनू किया किनू किया तुम पूछ रहे तुम मैं जाहिरी बात मियां अफजल अब निर्गोली ने बुजदार साहब ने काल मारी हल्की हल्की पीछे ढोल दी आवाज भी आ रही मैं समझ गया उन्होंने कहने तो पहले कि बुजदार साहब अपनी जगह तक कायम ने मैंने कहा ने कम टू द सीएम हाउस एंड ब्रिंग टू द बर्फी बर्फी का टोकरा लेके गया अगे की मंदिर ढोल बज रहे हैं सारे लोग भंगड़ा पा रहे ने बुजदार साहब भी भंगड़ा पा रहे ने एल स्टेप कर रहे ने ढिंग पटापट ढिंग जी सर मैंने वेख के रोक गए ने मैंने कहते ने मियां अफजल निर्गोली सत बिस्मिल्ला जी आया नू भंगड़े शामिल हो जा मैं कह सर मैंने तो भंगड़ा आंदा ही नहीं मैंने कहते ने इहदा मतलब है तेनू खुशी नहीं है तू मुखालफीन च ने गो बैक टू योर द पवीलियन मैं कह सर ऐसी गल नहीं हैगी बिरावां दी खुशी बिरावां नू हुंदी है मैं भंगड़ा शुरू कर दिता शुरू होया तो पहली चीक मेरी भला कित्थे निकली जदों मेरे पैर ते पैर रखे ने मैं क्या सर भंगड़ा करो मैनू लंगड़ा ना करो कहने पा भंगड़ा मैं क्या सर ये भंगड़े तो पैंदे रहने ने ये तो पांच साल पैने ने मुखालफीन दे सीने दे उत्ते मूंग दलांगे पर मैं क्या सर ये रास्ते दसो कि जो भी इमरान खान साहब आते ने तुसी कैम रेंदे हो तुहाडे कोल केड़ी किधर सिंगी है एक पार मैनू भी दे दियो मैनू कहंदे ने जिसले इमरान खान साहब जांदे ने मेरे नाल उसले मुखालफीन की सोचते ने मैं क्या सर वो तो सोचते ने कि सीएम जा रहे ने एम पी ए वापस आउणगे लेकिन तुसी हर वारी सीएम दी हैसीयत नाल वापस आउंदे कहंदे की हो कहंदे ने इमरान खान साहब मैनू की कहंदे ने मैं क्या सर वसीम अकरम प्लस कहंदे ने जदों मैदान दे विच इमरान खान साहब कोल वसीम अकरम साहब जांदे सन की कहंदे सन मैं क्या सर की कहंदे सन कहंदे ने ओह कहंदे सन राउंड दे विकेट बंदा आउट नहीं हो रहा ओवर दे विकेट चला जावां ओह कहंदे सन चला जा फिर जाके कहंदे सन भी ओवर दे विकेट नहीं आउट हो रहा राउंड दे विकेट चला जावां ओह कहंदे सन चला जा इस तरह उन्हां नूं एक ओवर होर मिल जांदा सी इसे तरह मैनू भी एक ओवर टाइम मिल जाता मैं वेख लेना इस तरह करदिया किसी दिन अचानक मैच हार ही ना जाना यार पूरे कॉन्फिडेंस नाल मैनू कहा ने नहीं मेहरबानी एक कैमरिया दे विच यार प्लीज ना गल जावे पर ये सेल्फ सीक्रेट होंदा है ये मैं गल सिर्फ तुहानू दसना तुसी अगे लोकां नू दस दिंदे हो क्या करूं आप उनके बंदों के सामने बोल देते हैं मियां वारिस साहब यस ओ माय गॉड फैसलाबाद यस जदों मैं गया 10 सूट ते नाल 6 बंदियां दी रोटी देंदे ने वाह वाह हर बार पूछ क्यों भाई खिदमत ही इन्नी करदे ने इन्हां दे इलेक्शन दे विच मैं गया हैरान कौन मंजर भाई बंदे बंदे नू आप जाके पूछ ने रोटी खाधी कि नहीं इस वे पीटीआई दे विच टॉप ते जा रहे हैं है कौन ने अपना मैडम नु मैं किथे देखया आपने इनको पीटीआई इस्लाम अहमद ने नहीं कराची तो ने सना राजपूत साहब यस सना जी यस ऐसे टॉप मॉडल जो एक नाय पूछ क्या हूं क्यों यार हर गल तुसे मैंने पूछ दी वे तुसी मॉडलिंग देख लिया करो तो अंदाजा हो जाए सर कहना यार वन फोटो प्लीज आए मेरे बिरादर दी फोटो पहले भी मेरे को है लेकिन वो जरी डिम जई है फ्रेश लेने है ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੇਗੀ ਫਿਰ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ किसको देंगे वो लाइफ जैकेट ऑप्शंस आपके पास हैं सना राजपूत कैसर पिया और उस्मान बुजदार जिंदाबाद उस्मान बुजदार क्या बस साढ़े नारे फिर फुला भी हो रहे हैं
वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो रणनीति का आगाज किसके साथ करें? चले मैं करती हूं। ये बताएं, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए आप किन को करना चाहेंगी? ऑप्शन आपके पास जो है वो है जनाब कायम अली शाह और मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान। ये बताइए, लिफ्ट में एंटर हुई है, तीन लोग मौजूद है, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल और एक को कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है, किसको क्या कहेंगी? ऑप्शंस है आपके पास फहद मुस्तफा, अली जफर और फवाद खान। सेल्फी किसके साथ लेंगी? सेल्फी मैं लूंगी फवाद खान के साथ। ठीक है, स्माइल किसको दे रही हैं? स्माइल लूंगी फहद मुस्तफा को, अली जफर को। आई वुड से कि आपका फ्लोर आ गया। आपका फ्लोर आ गया है, ठीक है। ये बताइए मैडम, टाइटैनिक पर जाने का वक्त है, दो वीआईपी पास आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मियां वारिस अजीज और कैसरपिया। कैसरपिया। कोई खास वजह? क्योंकि अच्छे हैं कैसरपिया और अब मैं इनको पहचान रही हूँ, जान रही हूँ, तो अच्छे बने। मियां वारिस अजीज आपके घर में अच्छे नहीं है वो? नहीं, वो भी अच्छे। एक तो ये ना आप बड़ा जो है ना आप गाड़ी खुद ड्राइव कर रही है, गाड़ी में चार सीट बाकी है, कौन होंगे वो चार लोग जो की आपके साथ आपकी गाड़ी में बैठ के जाएंगे? ऑप्शन आपके पास है महवेश हयात, माहिरा खान, सबा कमर, सज्जल अली और हरीम फारूक। तो ये तो आपने फाइव नेम्स कह दिए ना। हाँ, तो चार की जगह मैं लेके जा सकती हूँ। अच्छा, महवेश हयात, मायरा खान, सबा कमर, सज्जल अली और हरीम फारूक। हरीम को मैं नहीं लेके जाऊंगी, उनको छोड़ दूंगी। हरीम फारूक आपको नहीं लेके गई, आपको छोड़ दिया। आई लाइक यू, लेकिन ठीक है। चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठी है, साथ में एक सीट पर किसी को लेके जा सकती है चांद पर, लेकिन जिसको लेके जाएंगी वो वापस नहीं आएगा, आप वापस आ जाएंगी। किसको चांद पर लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शन आपके पास, बेचारा उधर ही रह जाएगा जो मेरे साथ। बिल्कुल। ऑप्शन आपके पास है जनाब हुमायूं सईद, जनाब अदनान सदीकी और मियां वारिस अजीज। मियां वारिस अजीज। कोई खास वजह? इन दोनों को मैं जानती हूँ, हुमायूं सईद को भी और दूसरा भी जो आपने नाम बताया, तो यू नो समझ रहे ना आप, मेरी इंडस्ट्री के लोग हैं। और मियां वारिस अजीज को आपने कहा कि मैं चांद पे छोड़ दूंगी? हाँ, कि वो आपकी इंडस्ट्री के नहीं है। क्योंकि मुझे हुमायूं सईद भी बहुत पसंद है, अदनान सदीकी भी बहुत पसंद है, उनको साथ लेके आना चाहूंगी। फायदा नहीं है, जालमो कलम जाया करा देती है। नहीं नहीं ठीक है, आपने कर दिया है। मियां वारिस अजीज साहब के साथ बहुत बुरी हुई है, एक तो उन्होंने अपना कजन आगे किया और हमने तब भी उनके साथ ये किया। ठीक है मियां साहब, आधी रात का वक्त, शदीद बोर हो रहे हैं, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, एक कॉल बोरियत किल करने के लिए किसको करना चाहेंगे? ऑप्शंस हैं आपके पास डॉक्टर आमिर लियाकत और डॉक्टर फिरदौस आशिकवान। फिरदौस आशिकवान वाले डॉक्टर से होगी बात। ठीक है, आप भी चांद पर मियां साहब जा रहे हैं, एक सीट किसको लेके जाएंगे, वो शख्स चांद से वापस नहीं आएगा, किसको चांद पर लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जहांगीर तरीन और अलीम खान। अलीम खान। अलीम खान को चांद पर लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने मिनिस्ट्री आप रखनी है ना। ठीक है, अच्छी प्लानिंग है ये। बता दे फिर टाइटैनिक पर जाने का वक्त, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस हैं आपके पास फियाजुल हसन चौहान और यासिर हुमायूं साहब। फियाजुल हसन चौहान के साथ टाइटैनिक पर क्या खूब जमेगी, क्या बात है। सर बता दें फिर, डूबती कश्ती में सवार दो लाइफ जैकेट्स, एक अपनी दूसरी देके किसी की जान बचानी है, किसको देंगे वो लाइफ जैकेट? ऑप्शंस आपके पास हैं सना राजपूत, कैसर पिया और उस्मान बुज़दार। जिंदाबाद उस्मान बुज़दार। क्या बस साढ़े नारे फिर फला भी हो दो तीन बारी कुट भी पई सी। मगर थैंक यू सो मच मियां साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। सर आए ना।